नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो हां, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ममता बनर्जी को चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में खेला नहीं बल्कि मोदी का मेला होगा। 2024 में मोदी के नेतृत्व में राजग की पार्टी बनाएगी सरकार और दुनिया की कोई भी ताकत मोदी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। जी हां, दरअसल बता दें कि ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षों की नेताओं को एकजुट करने में लगी हुई है और 2024 में खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नए नए षड्यंत्र दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब अठावले के बयान के बाद पीएम का सपना देखने वाली ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ लगाने वाली ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक और जहां पीएम बनने के सपनों को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष को एकजुट करने में तुली हुई है, लेकिन पीएम बनने को लेकर विपक्षों में अभी से ही फूट की तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी ममता के सपने को चकनाचूर करते हुए उन्हें बड़ी चेतावनी दी है। रामदास अठावले ने साफ तौर पर यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में खेला हुआ लेकिन 2024 में खेला नहीं होगा। जी हां, उन्होंने कहा कि यहां नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने का मेला तैयार हो रहा है और इसका मेला तैयार होगा और आप सब लोग यानी कि विपक्ष एक साथ आओ तो भी नरेंद्र मोदी का सामना करना ममता बनर्जी के बस की बात नहीं है। जी हां, अठावले ने बयान देते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में भले ही सभी विपक्ष दल एकजुट हो जाएं, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कोई खेला नहीं होगा, क्योंकि उस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मेला होने वाला है। जी हां, आपको बता दे अठावले का बयान ऐसे समय में आया है जब ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में डेरा डाली हुई है और विपक्षी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इस दिल्ली दौरे को बीजेपी विरोधी मोर्चे के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रस्ताव प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर अठावले ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी पूरे देश में खेला होने की बात कर रही हैं, 2024 में खेला नहीं होगा और सत्ता के लिए मोदी का मेला होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में राजग की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे ममता बनर्जी के नेतृत्व में कितने ही राजनीतिक दल एकजुट क्यों ना हो जाए। जी हां, वहीं जिस तरीके से पेगासस मामले को लेकर भी टीएमसी के नेता संसद में अपनी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी हमला करते हुए अठावले ने साफ तौर पर कहा कि 3 दिन तक हंगामा ठीक है, चौथे दिन सीट छोड़कर हंगामा करने पर सदस्यों को 2 साल तक निलंबित करने का नियम होना चाहिए और इससे सदन में हंगामा रोकने में मदद मिलेगी। और इसी को लेकर इस दौरान अठावले ने केंद्र सरकार से साफ तौर पर एक ऐसा कानून तैयार करने का भी आग्रह किया है जिसमें सदन में हंगामा करने वाले किसी भी सदस्य को 2 साल के लिए निलंबित करने का प्रावधान। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कार्यवाही को बाधित करने और देश का समय व पैसा बर्बाद करने वाले सांसदों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बताते चलें कि मॉनसून सत्र के दौरान लगातार टीएमसी संसद की गरिमा का अपमान कर रही है, जिसकी वानगी बार बार सदन में देखी गई कि किस तरीके से नेताओं ने बीजेपी के आला नेताओं से हाथ से पर्चा फाड़ कर उपसभापति के मुंह पर फेंका था और किस तरीके से बार बार अपनी बातों को सामने रखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना दंगापंती, सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट टीएमसी के नेता दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से दरअसल आपको बताते चले कि ममता बनर्जी पिछले 5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाली हुई हैं, कभी अपने खेला के खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करती दिखाई पड़ रही हैं, तो कभी सोनिया गांधी पर डोरे डालती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बंगाल की जनता के साथ साथ आपको बता दे कि 2024 से पहले ही पूरे देश ने उन्हें इस खेला से बाहर कर दिया है, जिसकी वानगी अभी हाल ही में ममता के वर्चुअल संबोधन में भी देखने को मिला था, जिसमें अलग अलग राज्यों की जनता ने ममता बनर्जी के खेला को नकारते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया था। लेकिन ममता बनर्जी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है, किस तरीके से देश विरोधी लोगों के साथ सांठगांठ कर 2024 के रण को जीता जाए। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि हाल ही में बीती शाम
नाम ममता बनर्जी ने गीतकार जावेद अख्तर से भी मुलाकात की थी और उनसे खेला होबे पर एक गाना बनाने का आग्रह किया है। दरअसल आपको ये भी याद दिला दे कि ये वही गीतकार हैं जिन्हें भारत में एक समृद्ध मुकाम मिलने के बावजूद भी उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है। अब जिस तरीके से ये दोनों आपको बताते चले कि देशद्रोही अब देश में 2024 को लेकर एक नया षड्यंत्र बनाने जा रहे हैं, ये सबके सामने है कि आखिर कैसे ये जावेद अख्तर के साथ मुलाकात कर ममता बनर्जी अब देश में खेला करने की तैयारी कर रही हैं। क्योंकि जब जावेद अख्तर से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि बदलाव आने चाहिए, तो इसको लेकर जावेद अख्तर ये कहते नजर आए हैं कि आजकल टेंशन ज्यादा बढ़ गई है, जिस तरीके का माहौल हो चुका है, मैं सभी के लिए नहीं कह सकता लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। देश में अभी कई तनाव है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, कई लोग आक्रामक बयान देते हैं और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। ये शर्म की बात है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दे कि यही जावेद अख्तर बंगाल की स्थिति को लेकर कुछ बोलते नजर नहीं आते, लेकिन अब जब ममता बनर्जी 2024 को लेकर लड़ाई कर रही हैं तो वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी 2024 में जीतने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दे कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं कि कैसे अब बंगाल का रण छोड़ने के बाद केंद्र की कुर्सी को संभाला जाए, लेकिन लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में बंगाल के जो हालात ममता बनर्जी ने बनाए हुए हैं, हमने तमाम खबरें आपको दिखाई हैं, पल पल की अपडेट और ग्राउंड की जो तमाम रिपोर्ट थी, जो विजुअल्स थे, हमने आपको लगातार दिखाए कि कैसे बंगाल में ममता बनर्जी का खेला चल रहा है, कैसे लगातार हिंसा घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन जब केंद्र की ओर से केंद्र की टीमों को बंगाल में भेजा जा रहा था तो उस पर भी लगातार ममता बनर्जी सवाल खड़े करती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में बीती शाम को कोलकाता हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर आदेश देते हुए बड़ा फैसला सुनाया था कि अब कोर्ट की ओर से ये आदेश दिए जाते हैं कि CBI और ED को बंगाल में खुली छूट दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हाई प्रोफाइल मामले बंगाल में सामने आ रहे थे, उनसे बचने के लिए लगातार ममता बनर्जी झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी, फिर चाहे मामला बंगाल हिंसा को लेकर हो, फिर चाहे वो मामला नारदा केस से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ या फिर मामला नंदीग्राम से जुड़ा हुआ हो, कैसे लगातार ममता बनर्जी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां वहां पर जांचबीन करने के लिए गए थे, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब साफ तौर पर हाई कोर्ट की ओर से कड़ा फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर केंद्र की ओर से कोई भी जांच टीमें आती हैं तो उन्हें राज्य सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट अपनी जाँच को अपने हिसाब से गंभीरतापूर्वक उसमें छानबीन कर सकते हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ी हुई है, लगातार मोदी सरकार से लेकर BJP पर तमाम तरह के हमले बोले जा रहे हैं और अब जब बंगाल की कुर्सी उनके हाथों से निकलने वाली है तो किस तरीके से अब केंद्र में काबिज होने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि अब पूरे देश में खेला करने की तैयारी है। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने ये साफ तौर पर धमकी बंगाल में भी दी थी और अब उनकी ये धमकी पूरे देश के लिए निकल कर सामने आई है। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल में चुनाव के बाद से जिस तरीके की हिंसा के नाम पर ममता बनर्जी ने खेला किया है, अब उस पूरे देश में वो ममता बनर्जी खेला करने की भले ही धमकी दे रही हो, लेकिन आपको बताते चले कि अब ये धमकी ममता बनर्जी पर ही उल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती हुई दिखाई पड़ रही थी ये अच्छे दिन बहुत हो गए, अब हम सच्चे दिन देखेंगे, लेकिन आपको बता दे कि दरअसल अब ममता बनर्जी आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम कानूनी जांच का शिकंजा जो आपके खिलाफ बढ़ रहा है, लगातार
बाद जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे ममता बनर्जी को लेकर बंगाल में किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में NHRC के रिपोर्ट में भी एक बार फिर से खुलासा हुआ था कि किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण किया गया था, किस तरीके से BJP कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी और किस तरीके से अभी जो शिकायतें हाईकोर्ट में पहुंची हुई हैं उसके बाद भी तमाम ऐसे शिकायतें हैं जो अब तक पुलिस अधिकारियों के पास और हाईकोर्ट के पास नहीं पहुंच पाई हैं। और हालांकि इन शिकायतों से बचने के लिए, इस जांच की आग से बचने के लिए लगातार ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर तमाम आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही थी, हाईकोर्ट के जज पर तमाम आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें खुद बढ़ने वाली हैं और जो खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं उनको लेकर, इसीलिए अब साफ तौर पर अठावले ने बड़ा बयान दिया है और ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी है कि 2024 में बंगाल की तरह ममता बनर्जी का खेला नहीं बल्कि मोदी सरकार का मेला लगेगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।